देवी पार्वती, आप हमसे कुछ कहें या न कहें, आपके मनमोहक अति सुंदर दोनों नयन ये स्पष्ट बता रहे हैं कि विगत रात्रि से आप हमसे पूछे जाने वाले एक प्रश्न को लेकर व्यग्र हैं। सर्वेश्वर, निस्संदेह विगत रात्रि को मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासा ने मुझे नेत्रा से विचलित कर दिया है। आपकी समस्या उचित तो है, किंतु समय उचित नहीं, अर्थात ये समय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त नहीं। ऐसा क्यों स्वामी? व्यग्रता और चिंता का निराकरण आवश्यक होता है, अन्यथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यग्रता तथा चिंता को आपने स्वयं आमंत्रित किया है देवी, अन्यथा हर प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं हैं। व्यग्रता एवं चिंता का जिस दिन अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। स्वामी, आप परिहास की भाषा का प्रयोग करके मुझे मेरी जिज्ञासा से विमुख कर रहे हैं। नहीं पार्वती, हम तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा से विमुख नहीं, अभी तो संक्षिप्त में ये समझाने की इच्छुक है कि तुम्हारी जिज्ञासा का मार्ग बहुत कठिन है। जिसने परात परम ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर को अपनी साधना से प्राप्त किया हो, उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है स्वामी। किंतु ये इतना सहज नहीं है देवी। आपके लिए असहज हो भी क्या सकता है स्वामी? देवी, तुम अपनी जिज्ञासा में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छुक जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई युगों तक तपस्या और साधना करते हैं, परंतु उनमें से किसी भाग्यशाली को ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु ये शिव की शिवा के साथ अन्याय तो नहीं होगा? अन्याय? हाँ स्वामी। देवी, तुम उस शिव पर आरोप लगा रही हो जो अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही सर्वाधिक गौरवान्वित हुआ है। आज तक यही सोचकर मैं संतुष्ट हो जाती थी स्वामी, किंतु आज वो भ्रम भी टूट गया। पार्वती, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि आपके गौरवान्वित अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरा स्थान क्या है? ये कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रही हो, जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही शिव में शक्ति का है। अर्धनारीश्वर रूप के पूर्णता का आधार तो तुम ही हो अर्धांगिनी। आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण क्यों किया था? तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संसार के पुरुष समाज को ये बताने के लिए कि नारी पुरुष की दासी नहीं अपितु पूरक है, समकक्ष शिव ही नहीं, प्रत्येक पुरुष में नारी और प्रत्येक नारी में पुरुष का अंश समाया रहता है। अर्थात नारी पर अत्याचार अन्याय करके पुरुष स्वयं अपने पर ही अत्याचार करता है। अर्थात इस समय आप स्वयं अपने पर अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं। स्पष्ट कहो शिवा। स्वामी, शिव की शिवा किसी ऋषि मुनि तपस्वी से कम है क्या? ये कैसा अन्याय है स्वामी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का पुरुष ब्रह्म ज्ञान और नारी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसा के योग्य है पार्वती, तर्क और शास्त्रार्थ में उदाहरण अच्छे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे, किंतु किंतु क्या स्वामी? किंतु इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा तपस्या और योग में। जब शरीर शांत और मन परम तत्व में केंद्रित होकर ब्रह्म ज्ञान पाने को उन्मुक्त होता है, तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा उत्तर सुनकर आप दुविधा में पड़ गई, इसीलिए आपने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। ओम नमः शिवाय।
प्रणाम माता, प्रणाम भोलेनाथ। माता, क्या आपका यह सेवक आपकी खिन्नता का कारण जान सकता है? नारद, देवी पार्वती आज अकारण ही उदास हो गई है। अकारण? हाँ नारद, देवी पार्वती हमसे ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छुक थी, जिसके लिए इन्हें योग के माध्यम से तपस्या में लीन रहना होगा। इतना सुनकर ही ये उदास हो गई। नारायण नारायण, भोलेनाथ कैसा विचित्र संयोग है, मैं भी आज आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आशा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस संयोग में विचित्रता के साथ ही साथ कई संकेत भी छिपे हैं नारायण। भोलेनाथ, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे युगों पूर्व घटित उस घटना का स्मरण करवाने के इच्छुक है जब मुझे ब्रह्मज्ञान का मिथ्याभिमान हो गया था, और तब आपने मुझे वानरमुखी बनाकर दंडित भी किया था। विश्वास करें भोलेनाथ, तब से अब तक मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यग्र हूँ। आज वो अवसर आया है। माता के साथ साथ मुझे भी ब्रह्मज्ञान प्रदान कर कृतकृत्य करें। नहीं नारद, पार्वती को तो हमने ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बता दिया, किंतु तुम हमसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। आपसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं? ऐसा क्यों भोलेनाथ? गुरु बिना ज्ञान नहीं ना। अपने गुरु को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य किसी से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो अपने गुरु का अपमान तो करता ही, साथ ही अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी खो दे। और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो। नाथ नारद, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम अपने परम ज्ञानी गुरु बृहस्पति की शरण में जाओ। गुरु बृहस्पति?